की रानी आई है, भाल तिलक पर हाथ खड़क, दुर्गा है काली माई है। भाग रे भाग फिरंगी, भाग भाग रे मां। रुक जाओ, तुम ऐसे नहीं जा सकते, अपना चेहरा दिखाओ। महाराज, खेल के नियमानुसार जो ध्वज को पहले लगाए वही विजय, परंतु दुर्भाग्य से ना तो वो आप कर सके और ना हम। सर, सर। कहां से आ गए? पता नहीं। कहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, यानी कि इतिहास खुद को दोहराता है। हमारे इतिहास में भी ऐसी हजारों भूत प्रेतों की कहानियां हैं जो कि अजीब, अनोखी और बेहद डरावनी भी है। हम जिसकी कल्पना नहीं कर सकते उसे हम कहानी मान लेते हैं, पर ये कहानी नहीं है, दहशत की खौफनाक दास्तां है। भारत के वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस भानगढ़ में हुई एक रियल पैरानॉर्मल इंसिडेंट है। भानगढ़ का ये किला, जहां हो रही थी जी टीवी के बेहद ही पॉपुलर शो झांसी की रानी की शूटिंग, और इसी शूटिंग शेड्यूल के दौरान हुई ये बेहद ही भयानक और डरावनी घटना। बस 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 भाई, सुनो सुनो, हम भानगढ़ शूटिंग के लिए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को भानगढ़ के बारे में कुछ पता नहीं होगा। भानगढ़ की रानी बहुत ही सुंदर थी, वेरी ब्यूटीफुल, और उसकी शादी की उम्र भी हो चुकी थी। रोज वो मंदिर जाती थी, दिया जलाती थी, और उसका एक ही ख्वाहिश था कि एक हैंडसम सा राजकुमार मिले, राइट सर? हाँ बिल्कुल सही है। अरे तुझे कैसे पता? स्मार्ट हो ना। अरे हमारे हिंदी फिल्मों में होता है ना, एक विलन तांत्रिक की नजर उस पर पड़ी, भाई साहब को इश्क हो गया, मगर रानी ने उसकी प्रपोजल को बिग नो बोल दिया। हार्टलेस वुमन। हार्टलेस नहीं, इंटेलिजेंट। एक रानी की शादी तो राजा से ही होनी चाहिए। आगे बताइए सर। बताता हूँ होगा क्या। देखो, ये तांत्रिक की ईगो पर बनाई। तांत्रिक ने ये सोचा, मैं किसी भी कीमत पर, कुछ भी हो जाए, मैं इस रानी को हासिल करके रहूंगा। उसने एक तेल की शीशी में जादू मंत्र करके रानी को देना चाहा, ताकि वो रानी उसके बस में हो जाती। लेकिन झांसी की रानी की तरह रानी रत्नावती भी बहुत ही इंटेलिजेंट थी। वो तांत्रिक के इरादे समझ गई और उसकी प्लान की पूरी वाट लगा दी और उसको ऊपर भेज दिया। और अब इस कहानी में ट्विस्ट ये है कि उस तांत्रिक ने मरते मरते ये श्राप दिया कि ये भानगढ़ एक खंडर बनकर रह जाएगा, वहाँ कुछ पनप नहीं पाएगा, कोई खुशियाँ नहीं मना पाएगा, और उस तांत्रिक की आत्मा आज भी रानी की तलाश में वहाँ के किले में भटक रही है। भटका तो आप रहे हम सबको दादा। अरे कौन सा भूत, कौन सा तांत्रिक, कैसी आत्मा, कुछ नहीं होता है। ये सब बातें हैं ना, ये सारी अफवाहें हैं, यहाँ के लोगों ने फैलाई है ताकि टूरिस्ट अट्रैक्ट हो सके। दीपक जी, क्या आपको नहीं लगता कि भानगढ़ में भूत है? अरे भानगढ़ क्या, रायगढ़, चंडीगढ़ या फिर चिड़ियाघर, कहीं कोई भूत नहीं होता है, सब बकवास होती है। पंडित जी बच के रहना, ये भूत का पहला अटैक था। ऊपर आगे आगे देखिए होता है क्या।
अब ये बस को क्या हो गया? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। हम लोग पहली बार किसी भूतिया लोकेशन पर जा रहे हैं, कितना मजा आएगा ना। मजा? आर यू मैड? मेरी तो जान निकल रही है। ठीक हो गया, अब चलते हैं। भानगढ़ से जुड़ी कहानियां सुनकर कुछ लोगों के मन में डर जागा और कुछ के मन में शंका। कुछ लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि इसे सच माने या झूठ। खैर जो भी हो, जगह इतनी खूबसूरत थी और बड़ी मुश्किल से उन्हें दिन में शूटिंग करने की परमिशन मिल गई थी, तो कोई ये मौका गवाना नहीं चाहता था। आने वाले अनजान खतरे से बेखबर ये लोग बढ़ रहे थे उस खौफनाक सच की ओर, जिससे बहुत जल्द सबका सामना होने वाला था। और साथ ही बढ़ रहा था काली शक्तियों का एक साया। क्या वाकई उस तांत्रिक की आत्मा आज भी भानगढ़ की उन चार दीवारों में मौजूद है? कैसा होगा इस यूनिट का एक्सपीरियंस जब उनके सामने आएगी ये दहशत की धुंध? नमो रातपते नमो गणपते नमो प्रमथपते नमस्ते स्थूलंभूतराय एकदंताय। अरे नारियल का है? शोषता श्री वर। अरे ड्रेस दादा, ड्रेस दादा। अरे नारियल का है, जल्दी नारियल लाओ। आया सर। गणपति बप्पा। अरे दादा क्या हुआ, सुबह नाश्ता नहीं किया क्या? अरे जोर लगा के फोड़िए, चलिए श्री गणेश कीजिए। यार। या दादा, अगर तीसरी बार नारियल नहीं फूटा तो ये वहम सच हो जाएगा। चलो ताकत लगा के गणपति अप्पा। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, आज गणपति बप्पा दूसरी यूनिट की ड्यूटी पर होंगे। सॉरी गणपति बप्पा, हमें जल्दी शूट करना है। चलिए उल्का को बुलाओ। जगह है, लगता है लोग बड़े शांत से रहते।
ड्रेसदादा आप? हाँ मैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो बस ये जगह एक्सप्लोर कर रही थी। देखिए ना, बिल्कुल अलग ही प्लेस है ना। सोचिए, जब अब इतना सुंदर है तो रानी रत्नावती के टाइम पे कितना सुंदर होगा, तब आलिशान होगा। ये कोई फिल्म सिटी में लगा हुआ सेट नहीं है जहाँ तुम घूम रही हो। ये जगह श्रापित है। कहानी सुनाई थी ना धर्मेश जी ने, हाँ? और ये क्या, तुम्हारे बाल खुले हैं? इसे जल्दी से बांधो, बांधो। खुश? ये लो तुम्हारा ड्रेस, और जल्दी से जाकर रेडी हो जाओ। शॉट रेडी है, चलो। दादा मीना, कितना डरते हैं। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं। अरे उनका 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 क्या कर रही है? चलिए चलिए, सवेरे जाइए, फिल्में होने लगे आजकल। आइए जल्दी आइए। उनका इस सीन में तुम अपने घोड़े पवन को लेकर बहुत दुखी हो, मतलब वो एकदम इमोशन चाहिए मुझे। और दूसरा वो मार्शल है ना, उसको तो तुम मारना चाहती हो, इतना एकदम गुस्सा वाला, समझ गए ना? ये दोनों इमोशन का प्ले है, ठीक है? ये करना है। अबे उल्का के पास से लाइट हटा, वहां लाइट का जरूरत नहीं है। अबे लाइट हटा वहां से। अबे सुनाई नहीं, मगर बात तो कोई नहीं। लगता है रात को एक पैक ज्यादा हो गया। अबे साहू लेंस क्लीन कर। सर ओके, शुरू करो मेरी लाइन। हाँ ये कौन सा नया फॉल्ट है? प्रोडक्शन वालों से कितनी बार कहा है कि ठीक जगह से कैमरा मंगवाए, लेकिन साला पैसा बचाने के अलावा कुछ आता ही नहीं। एक बार मॉनिटर जी पे देखता हूँ क्या चल रहा है। हैस्किया, अब क्या हो गया? धर्मेश जी। हाँ दीपक। सर मॉनिटर में कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है, मैंने सब चेक किया है, लेकिन आप एक बार आकर देख लीजिए। अरे मैं देख चुका हूँ, सही था सब कुछ। अरे सर आइए तो सही। चलो ठीक है, आप लोग रिहर्स कर लीजिए, मैं अभी आता हूँ। कितना सुंदर महल है ना ये। और ये गुलाबी फूल, ये तो बिल्कुल ही अलग है। काश मैं अपने मम्मी पापा के साथ यही रह पाती। मम्मी पापा के साथ या भांगर के भूतों के साथ? डर गई यार। ओके हम लोग लाइन कर लेते हैं, तो अगले सीन्स के हैं। पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा दीपक, ये क्या झंझट है? सर मैं भी एकदम कंफ्यूज हूँ। दीपक सर लाइट मीटर खराब हो गया। इम्पॉसिबल। अरे सारे इक्विपमेंट्स मैंने खुद चेक किए थे, अब सबके सब अचानक एक साथ खराब हो गए। ये भानगर है सर, यहाँ कुछ भी हो सकता है। अबे साहू कुछ भी बकवास मत करना। सर मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, ये देखिए सर, देखिए सर, ऐसे पहले कभी हुआ है क्या?
इसका तो एक ही मतलब निकलता है ना सर। इस स्ट्रेस और डर में शूट करना बहुत ही मुश्किल है दीपक। एक तो टाइम बहुत ही कम है, आज का दिन वेस्ट हो गया तो डिलीवरी के इश्यूज हो जाएंगे। वरी नॉट सर, मैं हूं ना। चलिए शूटिंग करते हैं। क्या हुआ? छोड़ दो। अरे पानी लो, पानी लो, जल्दी लाओ। अरे दीपक, अरे संतोष, इशारे मिलने लगे थे। दहशत की काली चादर धीरे धीरे सबको अपनी आगोश में ले रही थी। कहीं ना कहीं भानगढ़ की कहानियों में सच्चाई दिखने लगी थी, पर मन की जिद ऐसी होती है कि कहां कोई इतनी आसानी से हार मान लेता है। डर के उस इशारे को टेक्निकल प्रॉब्लम समझकर लोगों ने इग्नोर कर दिया। ये गलतियां हम सब करते हैं, उन लोगों ने भी की, लेकिन भानगढ़ के भूतों को यूं ही इग्नोर कर देना और उनके डरावने सच को सिर्फ कहानी बन के भुला देना, क्या ये सही था? नहीं। आखिर चाहती क्या थी उस तांत्रिक की आत्मा? ऐसा क्या होने वाला था उन लोगों के साथ? अरे मामा, आप इतनी परेशान क्यों हो रहे हो? कैमरे में थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी और कुछ नहीं। क्या मामा, मुझे ना आपको तो कुछ बताना ही नहीं चाहिए था। अरे अकेली थोड़ी ना हूँ मैं यहाँ, और 100 लोग भी तो हैं। हाँ मम, हाँ हाँ लॉकेट पहना है। हाँ इसमें पूजा भी कर ली थी। हैप्पी गुड मम्मा, अभी मेरा शॉट रेडी हो गया है तो फिर मुझे जाना पड़ेगा। और हाँ मम्मा, कल का प्रॉमिस याद है ना? वेरी गुड, हाँ बाय। अरे वही गुलाबी फूल। एक तेल की शीशी में जादू मंत्र करके रानी को देना चाहा ताकि वो रानी उसके वश में हो जाती। उल्टा, तुम अभी भी यहाँ पे हो? अरे शॉट रेडी है, चलो जल्दी, सब लोग वेट कर रहे हैं। पता नहीं मैं कैसे भूल गई, सॉरी मैं अभी आ रही हूँ। अच्छा चलो जल्दी, अभी चलो। एक्शन। महाराज, क्या आपको कुछ पता चला कि इस घटने के पीछे कौन था? Your Highness. महारानी, यह है मिस्टर मार्शल, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासक अधिकारी। Your Majesty, उस दिन गेम में जो कंस्पिरेसी हुई उसके पीछे कौन है? I know who. मैं शीघ्र बताइए उसका नाम, कौन है वो? Your Majesty, it is Samar Singh. रानी रत्नावती के महल में खड़े होकर इस तरह बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं
अच्छा बच्चू, उस दिन मैंने तुम्हारी क्लास ली इसलिए आज मेरी क्लास ले रही हो। देख धर्मेश बहुत मूड में नहीं है अभी, फटाफट काम निपटाते नहीं तो गुस्सा हो जाएगा। ऑर्डर सर, रेडी सर, रेडी। निकल जाओ, निकल जाओ हमारे महल से, वरना। No, what, Ronnie जी? Are you gonna call the tantric to cast the curse on us too? Ooh, I'm so scared. Hey, Ulka! Are Ulka? Ulka! Ulka! गॉड, उल्का तुम्हें होश आ गया। आर यू ओके? चलो मैं तुम्हें वैनिटी तक छोड़ा था। नहीं नहीं, वैनिटी पास में है, मैं चली जाऊंगी। तो? बिल्कुल ठीक है। उल्का जी, मैं चलो। चलो चलो चलो, सब काम पे लग जाओ, चलिए चलिए, बाकी सब काम पे लग जाओ। चलो चलो, कैमरा लगाओ कैमरा। अब तक जिसे किससे कहानियां समझकर इग्नोर करते रहे सब लोग, उसका जीता जागता सबूत सबके सामने आ चुका था। फिर भी कुछ लोगों को ये बात शायद समझ में नहीं आई। उल्का के रानी लक्ष्मीबाई गेटअप को देखकर उस किले में भटकी तांत्रिक की आत्मा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो चुकी थी, पर उल्का पर तांत्रिक का पोजेशन लोगों को उल्का का ही किया हुआ कोई प्रैंक लगा। महल को जितना देखूं, उतना और खूबसूरत लगता है। कितनी शांति है यहाँ। फिर मुझे जैसा वो घोड़े भाग के जाते हैं ना, मुझे ये ट्रॉली में जप 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 ऐसा चाहिए। क्या हो गया बेटा, क्या हो गया? अरे इतनी शूटिंग कर चुका है, आज किस बात का डर? घोड़िया टट्टू, अबे कितना शोर मचा रहा है। पकड़ो उसको, घोड़े को पकड़ के रखो।
कहते हैं जानवरों को भूत प्रेत का एहसास सबसे पहले हो जाता है। सेट पर अचानक सभी घोड़े इस तरह से क्यों भड़क गए थे? उन्हें कौन से खतरे की इंट्यूशन हो रही थी? रानी रत्नावती की चाह तकने वाली तांत्रिक की आत्मा उल्का को अपने कब्जे में क्यों लेना चाहती थी? क्या एक बार फिर से भांगड़ की रानी रत्नावती और उस तांत्रिक की अधूरी प्रेम कहानी का इतिहास दोबारा दोहराए जाने वाला था? सर, उनका कहीं नहीं है सर। सर, मैंने उसका रूम, नीचे गार्डन, रेस्टोरेंट सब जगह पे ढूंढ लिया है। सर, उनका कहीं पे भी नहीं है। ए यार, लेकिन सर, कमाल की बात तो ये है कि इस बात पर हम सब में से किसी का ध्यान कैसे नहीं गया? किसी ने तो देखा होगा। अरे सर, जब से हम लोग होटल में आए किसी ने उल्का को देखा ही नहीं है। लास्ट टाइम किसने देखा था उसे? सर, शूट पे उसकी तबीयत खराब हो गई थी, उसके बाद मैंने उसे कहा कि मैं उसे वैनिटी तक छोड़ आता हूँ, उसने मना कर दिया। और किले पे भैंस की आंख, इसका मतलब उल्का अभी भी किले में है। रानी रत्नापति की जय। कहिए, आपकी खिदमत में क्या पेश किया जाए? हमें एक विशेष इत्र वाला रोगन चाहिए। जो हुकुम, हमारे पास आपके लिए सब प्रकार के रोगन हैं। ऐसा रोगन पेश करो जो हमारे काम आए। ये सब क्या है? हम कहाँ हैं? रानी रत्नावती, तुम आखिर आपको यहां आना ही पड़ा। छोड़ो
मुझे उस बच्ची के लिए बहुत डर लग रहा है बॉस। डोंट वरी दीपक, हम कुछ समय में वहां पहुंचने वाले हैं। अरे यार, पुलिस को भी फोन नहीं लग रहा है। I can't believe, नेटवर्क भी नहीं है। अब सब ऊपर वाले से दुआ करो कि वो बच्ची सही सलामत हो। दुष्ट तांत्रिक, तुमने हमें कैसे ढूंढ निकाला? प्रतीक्षा, मैंने युगों युगों से सही समय की प्रतीक्षा की है रानी रत्नावती, और आज जब आपके कदम इस महल में पड़े, मुझे पूर्ण रूप से ज्ञात हो गया मेरी प्रतीक्षा समाप्त हो गई। और जब आपने इस रोगन का स्पर्श किया, मुझे मेरी प्रतीक्षा का फल भी मिल गया। रानी, हमें जाने दो, छोड़ दो हमें। क्यों नहीं, आपको मुक्ति जरूर मिलेगी, लेकिन मेरे अंदर जो प्रतिशोध की ज्वाला जल रही है, उसको शांत करने के बाद। समीर, गाड़ी क्यों रोक दी? मुझे पता नहीं, ये सब अपने आप हुआ। यहाँ अपने आप कुछ नहीं होता है सर, वही होता है जो यहाँ की ताकतों को मंजूर। ओह शिट, ये क्या हो रहा है? क्या हुआ? अरे यार, स्पीडोमीटर देख। अरे ये सब क्या हो रहा है? मुझे जाने दो, मुझे बचाओ प्लीज। Ha 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 ha!
मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। मैं रानी रत्नावती नहीं हूँ, आप प्लीज समझिए, आपको गलत फहमी है। प्लीज मैं रानी रत्नावती नहीं हूँ, मैंने आपको क्या बिगाड़ा? प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज 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 मुझे छोड़ दीजिए। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने ध्वज दी तानी थी, पूरे भारत में आई से नई जवानी थी, घूमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, तिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में, चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। मंदिर जाती थी, दिया जलाती थी और उसका एक ही ख्वाहिश था। हाँ, एक मंदिर है, मेन गेट पर, उल्का भाग भाग। अगर ये रोगन हम पर गिर गया तो अनर्थ हो जाएगा। रानी, अब आप मेरी हो कर रहो, हमेशा हमेशा के लिए। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुः ध्रुववरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। Thank you.
समझ में नहीं आ रहा, बाहर का रास्ता कहाँ से निकलता है? कोई है? कोई है? बचाओ, प्लीज। बेहोश हो गई। भगवान का लाख लाख शुक्रिया कि ये बच गई। अरे भैया ये तो चमत्कार है, सूर्य ढलने के बाद आज तक यहाँ से कोई जिंदा नहीं बचा। चलो इसे ले चल रहे, चलो जल्दी चलो उठाओ। उल्का सही सलामत मुंबई वापस आ गई, पर आज भी उसके दिल में कहीं ना कहीं भानगढ़ की बुरे एक्सपीरियंसेस की यादें ताजा हैं। भानगढ़ में हुए ये बुरे एक्सपीरियंसेस को हम कैमरा में तो कैद नहीं कर सके, लेकिन वहां के साउंड रिकॉर्डर्स के पास आज भी वहां घटी घटनाओं की कई डरावनी आवाजें कैद हैं। सही कहते हैं कि डर की कई शक्लें होती है, और भानगढ़ डर की ऐसी ही कई खौफनाक तस्वीरों का साक्षी रहा है। ऐसी जगह बनती ही इसलिए है क्योंकि मौत के साथ खत्म न होने वाली वो इच्छाएं इन आत्माओं को मुक्त नहीं होने देती, और वो आत्माएं दहशत की वजह बनकर यहाँ इसी दुनिया में भटकती रहती है। आज की कहानी तो बस यही खत्म हो गई, तो देखते रहिए फियर फाइल्स दहशत दोबारा।